जैसा कि आप सभी जानते हैं, बॉलीवुड एक्टर अर्जुन कपूर इन दिनों सलमान खान की एक्स भाभी और सलमान के भाई अरबाज की एक्स वाइफ मलाइका अरोड़ा को डेट कर रहे हैं। तो वहीं कहा जा रहा है कि मलाइका और अर्जुन अपने रिश्ते की ऑफिशियल अनाउंसमेंट भी करने वाले हैं। वहीं कहा जाता है कि मलाइका की वजह से ही अर्जुन और सलमान खान के रिश्ते में दरार पड़ चुकी है और एक बार फिर से मलाइका की वजह से ही अर्जुन और सलमान एक दूसरे से भिड़ने वाले हैं। और अब अर्जुन ने सलमान का साथ छोड़कर बॉलीवुड के सिंघम यानी कि अजय देवगन का हाथ थाम लिया है। जी हां, अर्जुन ने अब सलमान खान का साथ छोड़ दिया है और इन दिनों अजय देवगन का हाथ थाम लिया। बता दें, अर्जुन के करियर में अजय खासी रुचि ले रहे हैं। वो जब निर्देशक राजकुमार गुप्ता के साथ रेड फिल्म की शूटिंग कर रहे थे तब राजकुमार गुप्ता ने उन्हें इंडियाज मोस्ट वांटेड की स्क्रिप्ट सुनाई थी, कहा कि किस हीरो को फिल्म में लेना चाहिए। अजय ने अर्जुन का नाम सुझाया और राजकुमार गुप्ता ने बिना देर किए अर्जुन को साइन कर लिया। वहीं अब सुनने में आया है कि अर्जुन को लेकर खुद अजय एक फिल्म शुरू करने वाले हैं। अर्जुन भी अजय की सलाह मान रहे हैं और अब उनका करियर अजय की देख रेख में आगे बढ़ रहा है। लेकिन आपको बता दें, अजय देवगन से पहले सलमान खान ने अर्जुन कपूर के करियर का जिम्मा उठाया था और सलमान खान से लड़ाई के बाद अब अर्जुन कपूर चले गए हैं अजय देवगन के पास और अजय देवगन इन दिनों अर्जुन कपूर का करियर संवारने में लगे हुए हैं। नेक्स्ट नाइन न्यूज रूम से सुगंधानंद की रिपोर्ट। अगर आप भी बनना चाहते हैं एंकर और रिपोर्टर, वीडियो एडिटर, कैमरामैन या फिर स्क्रिप्ट राइटर, तो हमें संपर्क करें।